सतनाम श्री तन सवेला कड़ी तन तन मूरत पलस तन सो दिन संजोग तन सो दिन संजोग जित डिठा गुरदर्श पटने में प्रगट भयो सोड वंश सिर ताज वासी आनंदपुर साहिब के चिट्टे जिनके बा सिकता कंते मेर कियो मेरू ते कन की गुरु गोविंद सिंह नम है मन केवल दानी दीन खुद आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा मन चाओ भया प्रभ सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे अनवत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोग कह नानक प्रभ आप मिलया करण Thank you.
परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरां दी पार बख्शिश दा सदका जागत जोत जुगो जुगो टल शब्द अवतार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन दरबार विच बैठ के अमृत के दाते सरबंस दानी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का पावन पवित्र आगमन दिहाड़ा प्रकाश दिहाड़ा अवतार दिहाड़ा आपां नूं गुर शब्द नाल संगत नाल जुड़ के मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया। शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। जिन्ना समा होर सतगुरां दे चरणां विच बैठना है गुरु बख्शिश करदे ने आदव सत्कार श्रद्धा भावना नाल बैठिए। जेड़ी संगत आ रही है उन्हां प्रति जरूरी ओ बेनती है जिथे जिथे जगह मिलती है प्रबंधकां दे कहण तों बिना ही शांति दे नाल किसे किस्म दी आवाज पैदा ना होवे गुरु दे चरणां विच श्रद्धा नाल बैठ के गुर शब्द गुर इतिहास नाल जुड़िए। कल आप जी ने सरवण कीता है श्री पटना साहब जी का पावन पवित्र इतिहास। पटने में प्रगट भयो सोडियां दी वंश दे श्रोमणी साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी तो सोडी वंश विच सोडी कुल विच गुरु नानक दी जोत गुरु नानक दी गद्दी ने प्रवेश कीता। सतगुर गुरु नानक देव महाराज बेदी वंश गुरु अंगद देव महाराज जी त्रेहण ते गुरु अमरदास महाराज भले ते इन्हां तों बाद फिर जेड़े बाकी सतगुर चौथे पातशाह तों लैके दसवें पातशाह तक वह सोढ़ वंश सोढ़ी कुल इतिहास ते बहुत लम्मे पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिथे सारी कथा लिखी है उथे आखर विच एक तुक विच ही बेदी वंश का जिक्र कर दिता। जिन बेद पठ्यो से बेदी कहाए तिन धर्म के करम नीके चलाए। वेदी शब्द कितों शुरू होया है जिन्हां ने वेद पढ़े वेदां दी कथा कीती वेदां दे धर्म ते लोकां नूं चलण दा उपदेश दिता। वेद पढ़न करके उन्हां लोकां दा नाम वेदी पै गया। सीधी गल लै लो हुण बेदी नूं छड्डो ड्रैंग मास्टर किसे श्रेणी दा होवे जिहड़ा ड्रैंग पढ़ाउंदा उहनूं तां ड्रैंग मास्टर ही कहांगे ना। चाहे हिंदू है मुसलमान है ईसाई है सिख है शूदर है जिहड़ा साइंस पढ़ाउंदा उहदी कास्ट कोई होवे ते उहनूं साइंस मास्टर ही कहांगे ना। जिहड़े वेद पढ़दे सी वी हुण वेदी कहण लग क्यों पढ़े वेद। भगवान रामचंद्र जी दे पुत्रा ने दो शहर बसाए लव ने लाभपुर लाहौर कुसु ने कसूर। दोए पुत्र सी राम जी दे बड़े जोधे बली राज करदे रहे आखिर वही दोहां कुलां दा जंग होया दोवे भरावां दी औलाद। जंग विच इक ने जितना ते इक ने हारना सी। वह जेड़े हार गए वह डरदे छड गए इस इलाके नूं ते किथे गए बनारस कांसी विच उत्थे मंदरां विच जाके शरण लई ते शरण लंदिया ने फिर उत्थों विद्या प्राप्त कीती वेद पढ़े। भगवान रामचंद्र जी को 14वीं 15वीं पीढ़ी सी सारी एक भरा जित गया। सारी कथा है महाराज ने हारन जितन वालिया दे नौ लिखे ने बचे जो योधे प्राण लेके सिधारे किथे बसे जाके कियो कासबा संग कांसी दे विच बनारस विच उन्होंने वेद पढ़े वेद इन्हें पढ़े के उन्हां
दी कथा उते उना दी वेद दे ज्ञान ते दुनिया मोहत हो गई। जिथे जान कथा विच खिच लेन संसार नू, कथा करदे रहे, वेद पढ़ाउंदे रहे, पढ़दे रहे, ते लाहौर जिन्हां ने कड के उना नू देश निकाला दिता सी उना नू भी पता लग्या भी बहुत विद्वान है, एक पंडित आपां भी बुलाईए। उना नू केड़ा पता सी भी साड़े ही भाई है जिहड़े कढे है इथों, उना भावे कोई पंडित ने बुला ले। उना वेदियां ने फिर कीती लाहौर विच कथा शुरू वेद दी। जदों तीन वेदां दी कथा सुनी ना लाहौर दे राजियां ने, वैराग पैदा हो गया। जदों चौथे दी कथा सुनी गद्दी छड़ दित्ती, सिंघासन तो हेठ आ गए। लो वे पंडतो वेद पढ़न वाले सांभो राज, असी चले जंगलां नूं अजके आखो साधना। वेद पुराण दी कथा, जद राज देता ते फिर भेद खोलिया, कहिंदे असी ओही हैं जिहड़े तुसी कढे ते तुहाडे ही भाई, पहला नहीं दस्सिया। पर सुन लो गल, तुसी सानू तलवार नाल कढ़िया सी, शस्त्रां नाल कढ़िया सी, राज खोया सी, तुसी शास्त्र नाल खोया सी, असी शास्त्र नाल खोलिया। तुसी तलवार नाल सानू जितिया सी, असी तुहानू शब्द नाल जित लिया। शब्द वर्गा तां हथियार ही नहीं कोई, शब्द वर्गी सट, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਬੱਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਾਰੇ ਲੱਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਨ, ਬਸ ਆਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੀ, ਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨੀ, ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਨੌੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਨੋਢੀ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਸਨੋਢੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਢੀ ਬਣਿਆ, ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਏ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆ ਗਏ, ਤਪ ਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਨਰਕ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤਪ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਆ
सच्चा सिद्धांत है। तप ते राज, राज ते नरक। एक टूक मात्र है बेंती, हो सिखा नू राज तो क्यों कहा राज ना चाहो। बचाले महाराज नू पता भी राज तो बाद नरके मिलना है। आखो सतनाम भगती तो बिना राज नहीं मिलना। किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते होवन सब मित। राजे ध्रुव ने पूछा मां नू किस उद्यम ते राज मिले, राज किवें मिलूगा, बाप ने तो बेतलक करता, मतरेई दे कहण ते कढ दिता मैनू घर तो। एक गल भई इथे याद रखनी है कि ध्रुव ने कला राजे मंगया सी, जेड़ी असल गल ध्रुव ने मंगी तो आप याद ही नहीं करते क्योंकि आपने वो करनी नहीं। कला राज नहीं मंगया, ध्रुव कहिंदा मां मैनू दस मैं केड़ा उद्यम करा, मैनू राज ता मिले पर मेरे राज विच कोई मेरा दुश्मन ना होवे, सब मित्र होण। गल ते आ सी मंगण दा, शत्रु ते होवन सब मित्र। मैनू ऐसा राज मिले सब मेरे सज्जन होण, मेरा किसे नाल वैर ना होवे। किमा करदे हो, ए भगती तो मिलिया होई राज निर्वैर होऊगा। जेड़ा किसे नू जित के राज लिया तो वैर खड़ा रहूगा। अज के आखो सतनाम उच निर्वैरता किवें आ जाएगी। एक भगती का राज होगा, फिर ध्रुव ने 10,000 साल राज कीता, पर कीता केड़ा, शत्रु ते होवन सब मीठा। मां ने यह नहीं आखिया कि अद्धे फौजियों नू पाड़ लैने, आप मंत्रियों नू गठ लैने, अपन लालच दे दें तेन राज का हिस्सा दवा दनी है। जे वह मंत्रियों नू गठ के मां राज दवाउंदी, जे फौजियों नू पाड़ के राज ध्रुव नू दवाउंदी, फिर शत्रु ते मित्र नहीं सी बनने, सगों दुश्मन होर खड़े हो जाने सी। मां ने तरीका दसिया, पुत्रा इको तरीका है, जे ओ जा राज तू चाहना है कोई दुश्मन ना रवे, सब सज्जन बनने। ओते परमेश्वर आराधी है, ओ राज ते ताही मिलू जे तू भगती करेगा। परमेश्वर आराधी जिद्दू होइए पातत पनीता, फिर बाहर चलिया करण तप। आई तुक दसम पातशाह दा लाल जद पंडता तो सुनिया कि ए राज मैनू मिलिया भगती तो, पिछले जन्म विच मैं तप कीता है, पर इस राज तो ता मैनू नरक मिलना। ए राज गहां नरक, बस वजी सट मन ते। उदों ही फिर जिवें ध्रुव तुरिया सी ना 5 साल दी उम्र विच, कलगी तर पातशाह पहले जन्म विच करदे करदे राज, जदों वजी शब्द दी सट हिरदे ते, ओ मना इस राज विचों तेनू नरक मिलने, छड इस राज नू। तुर चलिया बना नू मन हो गया पैरा, करण तप मन बैरागी भय अतीता। गां भाई साहब कहंदे भी नारद मुन उपदेसिया, नाम निदान अम्यो रस पीता। गुरमुखो पारस है ना जेड़ा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਿਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਔਗੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਉਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਨਾ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਣ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਲੱਗੂਗੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਔਗਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਹੋ। ਚੰਦਨ ਸੰਗ ਬਨਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੱਕ ਚੰਦਨ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੋੜਨਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜੋ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਤਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸੰਤ, ਨਾਨਕ ਪਾਧਰ ਪੱਧਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਵਾ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਨਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਸਾਤੀ ਹਿਰਦੇ, ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਪ ਤੋਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਰਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਨੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਨੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਤਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨੀ। ਆ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗੇ ਨੀ। ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਆਗ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮੋਹ ਕਹੂਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵੈਰਾਗ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਘੀਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੌਣ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਯੁੱਗ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 18 ਕੰਬਲ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 4 ਯੁੱਗ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੋਦ ਜਮਾ ਆਵਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਹ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹਾ। ਗੋਦ ਆਵਰੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਕੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, 4 ਕੋਹ ਤੋਂ ਵਿਆਸਾ ਦੀ ਗਾਗਰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਓ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗਾਗਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੋਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਪ ਕਰਨ, ਲਾਈ ਸਮਾਧੀ, ਲਾ ਲਿਆ ਧੂਣਾ, ਐਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਡ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤਪ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸੰਗ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਤੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੇਹ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਜਦ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸੰਗ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ GT ਰੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇਗਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ। ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਤੋਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਤੋਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰਗ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ,
जपजी साहब जिथे राती रुती थिती वार पाठ आउंदा उथे तक इस बाणी विच शक्ति है। तेनू पता लग जाना मैं शरीर नहीं है, मैं देह नहीं है। बस जब तेन ये पता लग गया ना उथे गर्मी है ना सर्दी है ना भुख है ना त्यार ना उस उसन नहीं उस सीत ना ओ बूढ़ा ना ओ बाला। जब तू देह किदने बच्चा भी सी जवान भी हो गया ते बुढ़ा भी होना। जिन्ना चिर तेरा देह नाल संपर्क है सर्दियां भी दुखी करनगियां गर्मियां भी दुखी करनगियां भुख भी दुखी करू। एक होर मिसाल ले लो, वाहिगुरु ना करे आपां ने किसी ने ऑपरेशन कराउणा होवे सिर दा ढिड दा ऑपरेशन थिएटर विच ले जूगा ना डॉक्टर आपां नूं, आपां पए रहना है ते ओह ढिड विच कैंची फेरूगा ते आपां सुते पए चूं ना चा क्यों नहीं कीती जिउंदा ही है ओ जिउंदे नूं वढ रहा तू हिले नहीं रहा। कारण की है? कारण इको है कि डॉक्टर ने तेरा देह नालों संपर्क तोड़ता। अज के आखो सतनाम है तो तू जिउंदा पर तेरा देह नाल संबंध नहीं, दुख सुख खत्म। आ तो वेदांत कहिंदा मोक्ष पंथ विच पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम महाराज महान विद्वान लिखते ने कि सागल दुख को कारण दे। सारे दुखां दा कारण तो शरीर है, दे बिना दुखे नहीं। जेड़ी आत्मा है जेड़ी चीज असल तू है वो तो नैनंग सदंती न शास्त्राणी नैनंग धंती न पावक है। कृष्ण भगवान गीता विच लिखते ने ओनू तो अग साड़ नहीं सकती, हवा सुका नहीं सकती, पानी डोब नहीं सकता, शस्त्र कट नहीं सकता। आपां जुड़े हुए हैं हड ते चम नाल। जद ऑपरेशन होया तू सुता पिया रहा, ऑपरेशन होके हट गया ते चार घंटे बाद तू दुहाई चकती हो मर गया दर्द होंदा है बटियां दाओ बुलाओ डॉक्टर नू। तेनू कोई बांह ते पड़ के पुछे वो जे तेन बढ़ दे ते जब तक तू बोलिया नहीं हूं तू रौला पाने अज के आखो सतना। हमें कारण की है? कारण निको है जदों वढ़ दे सी देह नाल संबंध नहीं सी ते हुण देह नाल संपर्क हो गया। अज दुख ना मनायो, अज किसे नाल साडा संपर्क इना नहीं जिदा हड ते चम नाल हो गया साडा। जिन्ना इस देह नाल जुड़ोंगे उन्ने दुखी होंगे, जिन्ना इस देह नूं समझोगे मैं देह नहीं है मैं शरीर नहीं है उन्ने सुखी होंगे। सिखां दा हद नहीं हैगा डिप्लोमेबाजी किन्नी कीती होई है, कितने फैशन हो गए साडे। नौजवानों नूं बथेरियां बेनतियां करी दी, बीबिया नूं बथेरा कही दे वी हड जो हड चम नूं शिंगारन तों। आ जिहड़ा तुसीं लाई फिरदे ना पीले पूले जे नौहा नूहा ते रंग, ये पशुआं दे मरिया होयां दा हड फूके वे चम, उन्हां दे चम नूं फूके बणदा नौ पालश। ते तुसीं फिर उंगलियां पाउणियां मूंह च, उन्हां रोटियां खानियां तुसीं। आ तुहानूं बेनती है धीओ बच्चियो छड दो इन्हां होछे शिंगारां नूं, शिंगार करने तो पढ़े करो ना शब्द जा रहे बच्चियों तो ने शिंगार दसे है। पहकियां दे सलाइयां नैनी, देखो पाशा ने कैसा शिंगार दसे। जे अपने पति दे पैदा सुरमा पालो नैना विच पति दे पैदा। पहकियां दे सलाइयां नैनी, नैनी पाठ गाह नहीं लाना भाई, सलाइया नैणा च पैंदियां होंदियां ने। यह नहीं कि पहकियां दे सलाइयां नैनी भावका कर सिंगारो, नहीं नहीं, सलाई नैण च नेत्र विच पैंदी होंदियां नैनी ते विश्राम। पहकियां दे सलाइयां नैनी, अपने नेत्रां विच अपने पति दे भय दा सुरमा पाओ, वाहिगुरु दे भय दा सुरमा पाओ। भावका कर सिंगारो, भावना में प्यार, अपने पति दे प्रेम दा इस मुख ते शिंगार कर। एक कच्ची अपील, जिन्नी देह नाल जुड़ांगे ना आपां उन्ने दुखी हो। साडे बजुर्ग सुखी क्यों सी? कदर दे कपड़े टूटी जुगी, साबण लाउणा ही नहीं, शैंपू दा पता ही नहीं सी, देह नाल जुड़े हो ही नहीं सी, ते किन्ना आनंद सी कच्चियां कोठियां विच। हुण 50 लाख दी कोठी विच पिया भी भुजदा ही है अज के आखो सतना। जिन्ना देह नाल जुड़ोंगे, जब जी साहब मुख विच तार रखी गई है ओ गुरमुखा तेनू पता लग जावे मैं देह नहीं है, मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा है। आत्मा नू कोई मारे नहीं सकदा, उत्थे कोई दुख पहुंचाए नहीं सकदा,
जे तेन आत्मा का ज्ञान हो जाए, महाराज कहिंदे नानक दुख सुख व्यापत नहीं। किनू? वजीर नू, संत नू, कोठी विच बैठे नू, अमरीका च रहने वाले नू, करोड़पति नू? नहीं, जिथे आत्म राम प्रगास। आत्मा जो राम वाहिगुरु दास है, ओदा प्रकाश तेन ज्ञान हो गया, ओनू जान लिया तू मैं आत्मा है। उथे दुख सुख है ही नहीं। वो कर सकती है इको चीज, आत्मा है सब तो उची परमात्मा का अंश। जिन्ना कमरा उचा हो पौड़ी उन्नी उची लानी पैंती है, साधन चढ़न का उन्ना उचा बनाना होगा ना। वाहिगुरु उचा है, ओदे तक पुजन की पौड़ी भी ओदा सिमरने है। प्रभ का सिमरन है सब ते उचा सब ते, प्रभ का सिमरन है सब ते उचा सब ते उचा। ऊंची हूं ऊंचा हो, अपड़ कोई न सकई जे सौ। आ नाम तो देना जेड़े कर्म धर्म ने उन्होंने क्यों विवर्जित किया है बाणी विच, ओ वाहिगुरु सब तो ऊंचे है। आ जेड़े कर्मा कुर्मा दी इंदे पौड़ियां लाने तो रस्ते च रह जाएगी। वो पौड़ी ने जे सिरे पुजे तो चढ़न वाला सिरे किवें पुजू भाई। इस करके प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, वाहिगुरु का सिमरन ऊंचे। वो तेन देह तो छड़ के ऊंची आत्मा जो वाहिगुरु का अंश है उसके नाल मिला दू पचा दूगी। जपजी साहब भी दसिया ना, जरा काली ना करया करो। इतने तो छेती पुछने लग जाने, मन नहीं टिकता, बिरती नहीं टिकती। एक सवाल कर दे, एक साडे कोल आके कहना महाराज जब मैं रह रास पढ़ने वासियां होनी है। मैं कह रह रास है कि कंपोज दियां गोलियां, गार्डिन का टीका रह रास नींद आने लग जाए तेन। नहीं नहीं जल्दी कर दे, जरा कणक बीज के भी छह महीने डीकना पैंदा झाड़ नूं। किवें सिमरन करो? कबीर कहिंदा केसो केसो कुकी है ना सोई है आसा, एक दिन भी ना भुल केसव वाहिगुरु। दिन रात कही जा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये ना उड़ीक कर, कद सुनूंगा? तू ये कोशिश कर भी कहना ना बंद हो जाए, तू सुन का क्यों फिक्र करना भाई? ओदी मंजूरी का फिक्र ना कर, दान पुन करके सेवा करके तू फिक्र कर, मैं तो हो ही जावे काम। ते गलती ये हो गई है भी जिदा फिक्र रब नू है वो तो आप करी फिर दे, जिदा फिक्र आपा नू होना सी आपा ने कीता ही नहीं। आपा तो फिक्र करो, वाहिगुरु सिमरन कराई जा, सेवा कराई जा, ते फिक्र कर दे जेड़ी उन्हें चीज देनी है। तो सिमरन के बदले जो कुछ तेन देना वह फिक्र तो देने वाले तो छड़ दे, अज खे आखो सर तू लैन वाला फिक्र कर दे, फिक्र करे देने वाला। केसो केसो कुकी है ना सोई है आसार, कबीर कहिंदा रात दिवस के कूक ने कबू के सुने पुकार। पता नहीं केड़ी आवाज उथे पुजानी है, केड़ी कूक उन्हें सुन लेनी है। तू कही जावी दिन रात, गुरु नानक कहिंदे इक दू जी बहु लख हो है, लख हो वै लख बीस आखी है एक नाम जगदीश,
तुराहा पात पावड़िया चढ़िए होए इक्कीस इक्कीस। महाराज कहंदे एक जीव की लखा जीवा हो जान, भी लख हो जान, एक एक जीव ना लख लख वार गेड़ा कहिए, जिथों तुरिए मुड़के उथी आ जाइए वो गेड़ा होंदा है। जिथों पार शुरू करिया मुड़के फिर उथी आ गया, फिर शुरू करिया ए गेड़ा, सिमन करी जा। महाराज दी ये गल हुण समझो भी लख जीवा भी लख जीव, एक बंदे दे दो जीवा नहीं होंदिया, भी लख तां होणी है किसे ने, तीन जीवा देखी किसे दे। महाराज कहिंदे भी लख भी लख जीबा होणगियां जे भी लख तैनू जन्म मिलणगे। अज के आखो एक जन्म विच इको जीव मिलणी, दो ते मिल नहीं सकदी, इन्ने जन्म फिर एक एक जीव नौ लखां वारी वाहिगुरु कही जावे, वो एक एक जन्म तेरा पात वाहिगुरु पति परमेश्वर ओदे दरबार नू ओदी दरगाह नू जिहड़ी पौड़ी है ते एक एक डंडा चढ़ेगा एक एक जन्म। इतने पहले दिन स्कूल लेके गए मुंडे नू, तू हेड मास्टर नू कहते दसवीं च बिठा लैन, ये अपना काम है। छे क दिन बाणी पढ़ के कहते मन टिक जाए, पंद्रह क दिन गेड़ा गुरुद्वारे का मारिया कहते बिरती टका दो जी, तीन बार किसी साधन टेके मथे से कहते दे सब कुछ जो कुछ हैगा अज खे आखो साधना, हूं डेरे नू ना लेके जाई जो कुछ तेरे को हैगा पा दे पले साढ़े। महाराज कहते पौड़ियां लगिया हुई ने तराह पत पत परमेश्वर अकाल पुरख पति ओदे राह दियां पौड़ियां, तेरा एक एक जन्म जे तू चढ़दा गया ते खोए एक ईस, ईड़ी गुप्ता इथे पाठ एक ईस है करना है, पर जो अर्थ करांगे एक जमा ईस, ए पौड़ियां चढ़दा चढ़दा तू ते वाहिगुरु एक हो जाओगे। अज के आखो सतनाम चढ़िए होए एक ईस, दो नहीं रवांगे। साध संगत कीता तप गोदावरी दे कंडे ते, उस तप ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नू काबल कीता हेमकुंड ते जान दे, सिद्धे नहीं हेमकुंड ते चढ़े। जब मुगल सल्तनत दा सतवां राजा आखरी राजा हिमायूं बाबर अकबर जहांगीर शाहजहान छेवां औरंगा ते सतवां बहादुर शाह, ये सत पीढ़ियां का राज सी उन्होंने दिता गया। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब अगे दिनों विच इतिहास आवेगा, पुजे सचखंड दमदमा साहब तो, ते महाराज सचखंड तो नहीं बैठे जाके, महाराज उस जगह ते बैठे सी पंजाब विचों जाके जिन्हों तुसी अज हीरा घाट कहने हो, इत्थे आसन लाए सी महाराज ने। संगत गुरु जी दे आसन हीरा घाट होंदे सी, ते मातावां दे आसन माता साहब देवां जी दे गुरुद्वारे हुंदे सी, जिथे हुण गुरुद्वारा बनिया है माता साहब कौर जी दा गुरुद्वारा है। इथों उठ के ही मूले दा उधार कीता, इथों उठ के ही बंदे बहादुर दे आश्रम ते गए जिहनूं बंदा घाट कहिंदे, इथों ही फिर नगीना कीमती हीरा नगीना कीता पेश, इथे बैठे सी महाराज गोदावरी दे कंडे ते। समां नेड़े आया वेख के महाराज ने कढ़िया पत्थे विचों तीर ते मारिया शेर वल, नौ नंद जिन्हों तुसी अज कहने हो नंदेड़, ये असल शब्द है नौ नंद। ये नौ नंद क्यों पे है, इस थां ते कदे नौ मुनिया ने तप किया है, जिन्हों तो नंदेड़ शब्द बने हैं। नौ मुनिया ने भी इत्थे बैठ के तप किया सी गोदावरी दे कंडे ते जिथे हुण नंदेड़ है। सत संगत मारिया तीर महाराज ने ते बजया किथे एक मसीत विच जिन्हों तुसी अज अवचल नगर कहने हो ना, एदा असल शब्द है अफजल नगर। अफजल नगर ये मुसलमाना दा पिंड सी, ते इस पिंड दा नाम सी अफजल नगर, मुसलमाना दी बस्ती सी, ये मुसलमाना दी मसीत सी जिथे अज सचखंड हजूर साहब।